जादुई सोने की पेंसिल। मोना एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो अपनी जादुई विद्या का गलत उपयोग किया करती थी। जो कोई भी उसके पास अपनी जरूरत लेकर आता था वो उन्हें दुत्कार दिया करती थी, जिसे देखकर उसकी बेटी माया कहती है, माँ आपको तो जादू में महारत हासिल है, फिर आप गरीब असहाय लोगों की मदद क्यों नहीं करती है? एक जादूगरनी होने के नाते ये आपका अहम फर्ज है। क्योंकि माया मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई भी वैभवशाली या धनी हो सके। मैं अपने से आगे बढ़ते किसी को नहीं देखना चाहती। ईश्वर ने आपको ये जादूगर का वरदान दिया है, इसका सदुपयोग करना सीखिए माँ। अभी तुझे इस तेज दर्रार दुनिया की समझ नहीं है। इस दुनिया में सभी दाव के यार हैं। अपनी माँ के विचार बदलने में असफल हुई माया धीरे धीरे जादूगरनी माँ से जादुई विद्या सीखने लगती है और एक रोज कहती है, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ, कुछ जादू तो मैं सीख ही चुकी हूँ। आज मुझे उसे एक कोशिश करनी होगी, अपने जादुई हाथों का कमाल दिखाना होगा। माया एक पन्ना उठाकर एक पेंसिल का चित्र बनाकर जादुई मंत्र उच्चारण करते हुए कहती है, ओम सर्वस्व माया जाल काल महाकाल तंत्र मंत्र विद्या प्रविष्टि स्वाहा। जल्दी से एक जादुई सुनहरी पेंसिल का रूप धरकर अस्तित्व धारण करो। अचानक पन्ने पर तेज प्रकाश उजागर होने के साथ वो साधारण पेंसिल सोने की चमचमाती जादुई पेंसिल में ढलकर पन्ने से बाहर माया के हाथों में आ जाती है और वो खुश होकर कहती है, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा जादू कायम हो गया। अब मैं इस जादुई सुनहरी पेंसिल से लोगों की सहायता करूंगी। बेशक माँ जादूगरनी होने का सदुपयोग नहीं करती, पर मैं भलाई की राह को अपनाकर लोगों के हित के लिए काम करूंगी। माया उस जादुई सोने की पेंसिल को लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में और राहगीरों और सड़क के गरीबों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसको समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो गई। और फिर वो कहती है, अरे मैंने समय पर ध्यान ही नहीं दिया, इतनी ज्यादा रात हो गई, अब घर कैसे लौटूं? अचानक उसकी नजर एक बेरंग झोपड़ी पर जाती है। फिर वो आकर झोपड़ी की घास फूस के किवाड़ को हिलाते हुए कहती है, कोई है अंदर? कोई है अंदर? सुनिए। आवाज सुनकर एक बुजुर्ग औरत कमर पर हाथ धरे झुककर चलती हुई बाहर निकलकर कहती है, कौन हो बिटिया तुम? अम्मा मैं बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, काफी ज्यादा रात हो चुकी है, क्या आज की रात आपके घर में रुक सकती हूँ? बिटिया तुम इस गरीब की कुटिया में ठहर सकती हो, पर इस बदनसीब के पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे आज की रात ये सर छुपाने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी कुंती उसे अंदर ले आती है और माया की नजर झोपड़ी के कोने में उदास बैठी पोती पर पड़ती है, जिसके कपड़े एकदम पुराने और बेरंग थे। उसके सूखे होठ पर पपड़ी पड़ी हुई थी जो भूख की आग के कारण छाई हुई थी। तभी बूढ़ी औरत कहती है, माफ करना बेटा, तुम्हें खाने को नहीं पूछ सकती क्योंकि मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। अम्मा ये कौन है? ये मेरी पोती है, माता पिता के देहांत के बाद मैं बदनसीब बुढ़िया ही इसका सहारा हूँ। अफसोस कि मैं इसके लिए दो वक्त की सूखी रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर सकती। ये कहते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से आर्थिक अभाव की बेबसी झलक उठती है और तभी उसकी नन्ही पोती उसके पास आकर आंसू पोंछते हुए कहती है, दादी माँ आप चुप हो जाइए, मैं आपके साथ इतने में भी बहुत खुश हूँ। दोनों के बीच अटूट प्यार देखकर माया मन में कहती है, काश माँ अपने जादूगरनी होने के नाते इनकी सहायता की होती तो आज मैं भूली भटकी यहाँ नहीं पहुँचती। गरीबी और बदहाली से जूझने के बाद भी इनके दिलों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, असल जीवन यही है। पहले से परेशान दादी पोती पर जैसे कुदरत पहाड़ गिरा देता है। आसमान में काले बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और घनघोर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत की दरार से बरसात का पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर कुंती कहती है, ए मेरे मालिक, और कितने जुल्म ढाएगा हम गरीब पर, खाने के लाले पहले ही पड़े हुए थे, ये झोपड़ी ही तो सर छुपाने का आसरा है, अब क्या उसे भी ढा देगा। कुंती की नन्ही पोती रात भर जागकर अपनी दादी की मदद करती है, जिसे देखकर वो रोते हुए कहती है, रानी तू सो जा बिटिया, तेरी बूढ़ी दादी के बाजू में अभी इतनी जान तो है, वो रात भर इस गरीबी और दुख के कहर को झेल लेगी, पर तुझे नींद भी कैसे आएगी, उसके लिए भी तो पेट में कुछ होना चाहिए, 3 दिन की भूखी बच्ची क्या ही सोएगी। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से मन में कहती है,
मुझसे इनकी ये हालत और देखी नहीं जा रही। क्या करूं, इनकी सहायता करूं या फिर इन्हें कुछ वक्त और परखूं। पूरी रात के खौफनाक बरसात होने के बाद सुबह जल्दी धूप निकल जाती है और माया कहती है, अम्मा बरसात खत्म हो गई है, क्या मैं एक दिन और यहाँ रुक सकती हूँ? देख बिटिया, जब तक तेरा दिल चाहे तो इस बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी में ठहर सकती है, लेकिन तू मेरे घर की बदहाली को जानती है, इसलिए बस हमसे खाने को कुछ मत मांगना। आप निश्चिंत रहिए। घर पर बाहर लगे हुए पानी को देखकर छोटी रानी कहती है, मुझे बरसात के जमे पानी को यहाँ से साफ करना होगा, वरना ये हमारी झोपड़ी उजाड़ देगा। बहादुर रानी बाहर घुटनों भर के पानी को घंटों मेहनत करके साफ करती है और ऐसे ही रात हो जाती है। तकरीबन 3 दिन बीतने के बाद भी वो उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता तो माया कहती है, तुम्हारे पास एक पन्ना होगा? दीदी मेरी कॉपी तो भर चुकी है। देखो रानी, क्या पता कोई पन्ना खाली छूट गया है। रानी कॉपियों का ढेर लगाकर खाली पन्ने की खोज करती है और उसे एक पन्ना खाली दिखता है जो वो माया को देती है, और माया उस कोरे पन्ने को लेकर बाहर बैठकर जादुई सोने की पेंसिल से एक सुंदर सा घर और एक फलों से लदे पेड़ बनाती है। तभी एक तेज रोशनी उस पन्ने पर चमक उठती है और वो चित्र पन्ने से बाहर एक सुंदर सा घर का रूप धरकर एक सुंदर सा पेड़ बन जाता है, और वो देखते हैं कि वो उस घर के अंदर है, जिसे देखकर रानी कहती है, आहा दादी, ये आलीशान घर कहाँ से आया, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? देखो ना ये कितना सुंदर है, ये कैसा जादू है? ये जादू किस जादूगरनी का है, बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर माया से पूछते हैं, बिटिया ये जादू तूने किया है? हाँ, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ, अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके एक जादुई पेंसिल बनाई है और इसी पेंसिल से मैं लोगों की सहायता करती हूँ। ये फलों से भरा पेड़ भी आप दोनों के लिए है। रानी रोते हुए उसके गले लगकर कहती है, शुक्रिया जादूगरनी दीदी इस खुशियों के लिए। आप दोनों बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपके जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी आई थी पर आप दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आज इसी वक्त मैं आपको मेरी ये जादुई सोने की पेंसिल देती हूँ। भविष्य में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े, जो कुछ भी तुम इस जादुई पेंसिल से कोरे पन्ने पर बनाओगी वो असली का बन जाएगा। लो रानी, जरूरत पड़ने पर इससे मदद मांगना, तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद इसलिए ही ये मेरे हाथों से बनी थी। शुक्रिया बिटिया, ईश्वर तुमको और अधिक महारत हासिल करे। उनकी मदद करके जादूगरनी माया को एक बड़ी तसल्ली और सुकून मिला और वो खुशी भरी मुस्कान के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गई। जवानगढ़ गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें राधा, नैना, राज और रोहित नाम के भाई बहन अपनी माँ सुनंदा और बाबा विकास के साथ रहते थे। वो लोग काफी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। विकास एक बिजनेसमैन था, वो काफी अच्छे से अपना बिजनेस चला रहा था। एक शाम की बात है, सुनंदा अपने पति विकास को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो विकास जी, आज आप घर जल्दी आ जाइए। लेकिन सुनंदा, मुझे अचानक जल्दी क्यों बुला रही हो, आखिर बात क्या है? विकास जी, मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है, प्लीज आज आप घर जल्दी आ जाइए। अरे मेरी जान, तुमने मुझे पुकारा और समझो मैं जल्दी आ ही गया, तुम चिंता मत करो, मैं समय से घर वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो दोनों फोन रख देते हैं और शाम होते ही विकास अपनी कार को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है कि तभी वो देखता है कि उसके घर की सारी लाइट बंद है। ये देखकर वो थोड़ा अचंभित होता है और बोलता है, कोई है? कोई है? सुनंदा कहाँ हो तुम? विकास थोड़ा डर जाता है, जिसके बाद अचानक ही उसके घर की लाइट जलती है। वो देखता है उसके घर में बहुत ही चमक और साथ ही उसका घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है। जैसे ही लाइट जलती है कि तभी उसके चारों बच्चे और उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे माय डैड, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे माय डियर डैड। ये सब देखकर विकास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, आज तुम लोगों ने तो मुझे रुला ही दिया।
इतना कहकर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद खाना खाकर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे कि तभी विकास के फोन पर विकास के मैनेजर का फोन आता है। हेलो सर, हेलो सर, हमारी कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक भयानक आग लग गई है और इस वजह से हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये सुनकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ भागता है और अपनी कार को दौड़ाते हुए वो अपनी कंपनी की तरफ ले जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी कंपनी आग में झुलस रही थी। ये देखकर विकास को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। विकास का मैनेजर आता है, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर ओटी से बाहर निकलकर मैनेजर को जवाब देते हुए बोलता है, मिस्टर विकास की फैमिली कहाँ है? वो दरअसल मैंने अभी उनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं जानता हूँ अगर मैं भाभी को इन्फॉर्म करूंगा तो वो सदमे में आकर खुदकुशी कर लेंगी। एक तरफ तो विकास का मैनेजर और डॉक्टर बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ सुनंदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। परेशान होते हुए सुनंदा खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे विकास जी कहाँ चले गए इतनी रात को। आज तो उनका बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन भी उनको इतना काम है। हे भगवान, मेरे विकास जी जहाँ भी रहें, बस आप उनकी देखभाल अच्छे से करना। सुनंदा खुद से बात कर रही थी कि तभी सुनंदा के घर पर किसी के आने की दस्तक होती है और जैसे ही सुनंदा अपने घर का दरवाजा खोलती है कि तभी उसके सामने विकास का मैनेजर और विकास की लाश दिखाई देती है। ये देखकर सुनंदा जोर से चीखती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे विकास जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भाभी, आप प्लीज खुद को संभालिए, आपके 4 बच्चे हैं, आप उनको तो देखिए। हे भगवान, आपने मेरे विकास को मुझसे छीन लिया, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? आपने तो मुझसे मेरे जीने की उम्मीद छीन ली, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। सुनंदा का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, लेकिन सुनंदा को संभालते हुए उनके बच्चे अपने पिता की लाश को मुखाग्नि देते हैं और अपने घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसकी माँ भी अब मरने की कगार पर थी। ये देखकर राधा बोलती है, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए, अगर आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हम लोगों का पढ़ने लिखने का सपना है, हम लोग पढ़ लिखकर अपने बाबा की कंपनी को दोबारा से खोलेंगे और उसे बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट हमें चाहिए, हमेशा चाहिए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। सुनंदा इतना बोलती है जिसके बाद वो भी अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर उसके सारे बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और इस तरह अब उनका जीवन अनाथ बच्चों की तरह गुजरने लगता है। धीरे धीरे उनके पास के सभी पैसे खर्च हो जाते हैं और विकास का मैनेजर धोखाधड़ी से उन बच्चों को उनके घर से धक्के मार कर निकाल देता है। अब वो चारों भाई बहन सड़क पर आ गए थे, वो कभी रोड के किनारे सोते तो कभी नाले के ऊपर के फट्टे पर सोते। वो लोगों से भीख मांगने लगे, बाबूजी, हम लोगों को थोड़े पैसे दे दीजिए, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ने का बहुत शौक है, आप अगर हमें थोड़े से पैसे दे देंगे तो मैं अपने साथ साथ मेरे भाई बहन की भी किताबें खरीद कर ले आऊंगी। वो भीख मांगती रहती है लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता और इस तरह वो तेज धूप में किताबों के लिए और खुद का पेट पालने के लिए लोगों से भीख मांगने लगी। कुछ लोग उसे 1 रुपए देते तो कुछ लोग 10 देते। इस तरह उसके पास 100 रुपए हो जाते, जिसमें से वो कुछ पैसों की बुक्स लेकर आती और अपने भाई बहन के साथ नाले के किनारे बैठकर पढ़ने लगती। बाकी जो बचे हुए पैसे थे उससे वो अपने भाई बहनों के लिए खाना लेकर आती और उन्हें खिला देती। राधा अब अपने भाई बहनों को माँ बाबा का प्यार देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। वो लोगों से भीख मांगती और अपने भाई बहन को पढ़ाती और साथ में उनका पेट भी भरती। ऐसे ही अब दिन बीतते गए और वो अपने भाई बहन को रोड के किनारे रख कर उनको पालती रही। एक दिन एक बहुत ही अमीर लड़का जिसका नाम विजय था, उसकी नज़र उन बच्चों पर पड़ती है। वो ये देखकर अचंभित रह जाता है कि एक 12 साल की लड़की अपने 3 छोटे भाई बहन को किस तरह पाल रही है।
उनको पढ़ने का इतना शौक था कि वो रोड पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ये देखकर वो खुद से बोलता है, ओह गॉड, ये 12 साल की लड़की अपने भाई बहन को भीख मांगकर पढ़ा रही है। हे भगवान, तुम्हारी भी लीला अपरंपार है। मैं ऐसा करता हूँ, इन चारों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ देता हूँ और इनको पढ़ने के लिए इनका स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। इतना कहकर विजय उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपनी कार में बैठाकर अनाथ आश्रम छोड़ देता है, जिसके बाद वो उनका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवाता है और उनकी फीस भर देता है। इस तरह अब वो उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था और अब वो बच्चे अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे थे और सभी बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। चुड़ैल का तरबूज हेलीकॉप्टर। एक नागपुर के छोटे से गांव में एक कुंदन नाम का लड़का अपनी माँ लीलावती के साथ रहता था। कुंदन के बचपन में ही उसके पिता रामशेखर एक दुर्घटना के दौरान उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद कुंदन अपनी माँ लीलावती के साथ अकेला रह गया था। वो दोनों तरबूज बेचने का काम किया करते थे, साथ ही साथ कुंदन अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। माँ, 3 दिन बाद मुझे अपने स्कूल की फीस भरनी है, लेकिन रोज के खर्चे के बाद फीस के पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैंने फीस नहीं भरी तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिए जाएंगे। बेटा, इस तरह से तो हम लोग अपना घर चला नहीं पा रहे हैं। क्यों ना हम दोनों एक काम करें, स्कूल के बाद तुम दूसरे गांव जाकर तरबूज बेचने चले जाया करो और मैं दूसरे गांव में तरबूज बेच दिया करूंगी। इससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, अब हम इसी तरह तरबूजों को बेचा करेंगे। अगले ही दिन सुबह कुंदन दूसरे गांव में जाकर तरबूजों को बेचने लगता है और लीलावती दूसरे गांव में। जैसे ही शाम होते होते वो दोनों घर को लौटते हैं, कुंदन खुशी से अपनी माँ लीलावती से कहता है, माँ देखो, देखो ना माँ, मेरे पास एक भी तरबूज नहीं बचा, आज मैंने सारे तरबूज बेच दिए हैं। अरे हाँ बेटा, आज तो मैंने भी सारे तरबूज बेच दिए हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए हैं, अब तुम अपने स्कूल की फीस भर देना। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ उनके घर का मालिक आ जाता है और उनसे कहता है, लीला, अरे ओ लीला, अरे कहाँ है तू, पूरे 4 महीने हो गए तूने मकान का किराया ही नहीं दिया है। जैसे ही लीलावती अपने मकान मालिक को देखती है, वो अपने पैसों को छुपाने लगती है, तभी मालिक कहता है, अरे ये क्या, तेरे पास तो पैसे आ गए हैं और तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, ला मेरा किराया दे, नहीं तो अभी के अभी मेरा मकान खाली कर दे। मालिक, जरा मेरे बच्चे की तरफ देखिए, अगर इसकी स्कूल की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देंगे। मालिक, मुझ पर दया करो, कुछ समय का वक्त दो, मैं तुम्हारा सारा किराया उतार दूंगी। साहब, दिन भर तरबूज बेचकर मैंने अपने स्कूल की फीस जमा की है, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लीलावती मकान का किराया देने से कतरा रही होती है कि तभी मकान का मालिक जोर जबरदस्ती करके उनसे सारे पैसे छीन लेता है और उनसे कहता है, अरे ये तो केवल 3,000 रुपए ही है, अभी तो बहुत सारे पैसे देने हैं तुम्हें, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इनसे काम चला लूंगा, लेकिन जब अगली बार आऊंगा तो मेरा पूरा पैसा मुझे वापस चाहिए मेरे हाथों में, समझे। वो दोनों अपने घर के मकान मालिक की शक्ल देखते ही रह जाते हैं और वो उनसे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो दोनों हार नहीं मानते और अगले दिन फिर से दोनों अलग अलग गांव में जाकर तरबूज बेचने लगते हैं, जिसके बाद वो फिर से फीस के पैसे जमा कर लेते हैं। कुंदन खुशी खुशी अपनी स्कूल फीस जमा कर देता है, जिसके बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से नहीं निकालते। वही कुंदन की क्लास में एक नया टीचर आता है। देखो बच्चों, आज मेरी तुम सबसे पहली मीटिंग है और मैं आप सबको एक प्रोजेक्ट देने आया हूँ, जो भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा उसे हमारी तरफ से सरकार बाहर के देश में पढ़ाई करने के लिए भेज देगी, जिसके बाद सारा खर्चा सरकार का होगा। ये सुनने के बाद चंदन बहुत खुश होता है और अपनी खुशी सबसे पहले अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ लीलावती उससे कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन बेटा एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए तेरे पास सामान कहाँ से आएगा, और तू इतने महंगे सामान लेकर कहां से आएगा, जितना हम दोनों कमाते हैं उतने में घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो, अब से मैं सुबह शाम मेहनत करूंगा और अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जोड़ूंगा,
चंदन के अंदर पढ़ाई के प्रति इतनी उत्सुकता देखकर लीलावती बहुत खुश होती है, जिसके बाद वे दोनों मिलकर तरबूज बेचकर पैसे जोड़ने लगते हैं। देखते ही देखते चंदन अपना हेलीकॉप्टर वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। चंदन कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर बनाता है, जिसके बाद वो उसे रिमोट कंट्रोल के साथ उड़ाते हुए अपने दोस्तों को दिखाने चला जाता है। देखो देखो देखो, अरे दोस्तों देखो कितना सुंदर है मेरा हेलीकॉप्टर, इसे देखकर तो दिल को सुकून मिल रहा है। तभी वहाँ चंदन का दोस्त अर्जुन पहुँच जाता है, जो चंदन के हेलीकॉप्टर को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। मेरे हेलीकॉप्टर के आगे तेरा कोई हेलीकॉप्टर अच्छा नहीं है, मेरा हेलीकॉप्टर तेरे हेलीकॉप्टर से ज्यादा ऊंचा और बहुत ज्यादा तेज चल सकता है। अच्छा तो तुम मेरे हेलीकॉप्टर को कम समझ रहे हो, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर चंदन अपने हेलीकॉप्टर से अपने दोस्त अर्जुन के हेलीकॉप्टर की रेस लगवाने लगता है, लेकिन अर्जुन अपने हेलीकॉप्टर को चंदन के हेलीकॉप्टर से पीछे जाते हुए देख उसे अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद अर्जुन एक पत्थर उठाता है और चंदन के हेलीकॉप्टर में मार देता है। चंदन का हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर टूट जाता है। अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर को देखकर चंदन रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या, मेरा हेलीकॉप्टर तो टूट गया है, अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर कैसे जाऊंगा। बेचारा चंदन अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके घर में उसकी माँ जमीन पर पड़ी होती है, उसके सिर से बहुत खून बह रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर चंदन की तरफ पड़ती है, वो चंदन को अपनी तरफ बुलाती है और उससे कहती है, चंदन बेटा मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। इतना कहते ही लीलावती मर जाती है, जिसके बाद अपनी मरी हुई माँ को देखकर चंदन फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देता है। उस रात चंदन अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रोता हुआ कहता है, माँ आप भी मुझे छोड़ कर चली गई, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा था ही कौन, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ, वापस लौट आओ माँ। रोते रोते चंदन अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर को लेकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीलावती की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। जैसे ही वो अपने बेटे चंदन के पास आती है, तो वो अपने बेटे चंदन के हाथ में टूटा हुआ हेलीकॉप्टर देखकर अपने आप से कहती है, सीढ़ियों से फिसलकर मेरी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब मेरे बेटे का क्या होगा, उसका विदेश जाने का सपना कैसे पूरा होगा। तभी चुड़ैल को घर में तरबूज रखे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो एक प्लान बनाती है। क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए एक तरबूज का हेलीकॉप्टर बनाऊं, जिसमें उड़कर मेरा बेटा खुद विदेश जा सके। ऐसा कहकर चुड़ैल तुरंत अपनी शक्तियों के द्वारा एक तरबूज का हेलीकॉप्टर बनाती है, जिसके बाद वो रात के समय उस तरबूज के हेलीकॉप्टर में सैर करने के लिए निकल जाती है। मजा आ रहा है, इतना ऊपर उड़कर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान को छू रही हूँ। ये हेलीकॉप्टर तो बहुत ही कमाल की चीज है, इसमें मैं अपने बेटे को बिठाकर विदेश लेकर जाऊंगी। रात भर चुड़ैल तरबूज के हेलीकॉप्टर से यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और जैसी सुबह होती है, चुड़ैल अपना तरबूज का हेलीकॉप्टर अपने घर के बाहर लाकर खड़ा कर देती है, जिसके बाद वो चंदन को बुलाने के लिए अंदर जाती है। चंदन, अरे ओ चंदन बेटा उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जैसे ही चंदन नींद से उठकर अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल को देखता है, वो बहुत डर जाता है। चुड़ैल, हे भगवान, इतनी सुबह सुबह मेरे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई, कोई बचाओ मुझे। अरे बेटा डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। जैसे ही चंदन ये सुनता है, उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता। माँ आप तो मर चुकी थी, फिर आप वापस कैसे आई। बेटा मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली, अब मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए वापस आ गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए तरबूज का हेलीकॉप्टर बनाया है, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा विदेश जाने का सपना पूरा करना चाहती हूँ। चंदन अपनी चुड़ैल माँ के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल हेलीकॉप्टर को उड़ाकर चंदन के स्कूल में लैंड करती है, जहाँ गाँव के सभी बच्चे अपने अपने हेलीकॉप्टर टीचर को दिखा रहे होते हैं। जैसे ही टीचर चंदन का हेलीकॉप्टर देखता है, वो चंदन से कहता है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, तुमने तो नाकामयाब चीज को कामयाब बना दिया,
तुमने एक तरबूज का हेलीकॉप्टर बनाया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। इस बार विदेश जाने का मौका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनने के बाद चंदन और उसकी चुड़ैल माँ बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद चंदन अपने स्कूल की तरफ से विदेश जाकर अपने आगे की पढ़ाई करने लगता है और चुड़ैल अपने बेटे को खुश देखकर वहां से मुक्त हो जाती है। समझदार बहू गवार सास। जिला गोपालगंज के छोटे से गांव में रहने वाली 50 बरस की कंचन बड़ी फुर्तीली औरत थी, जिसको गांव के सभी लोग कंचनिया कहकर पुकारते थे। गांव में रहने वाली भवरी उससे आकर पूछती है, अरे कारी कंचनिया, बबलू के उम्र के सभी लाइकन की शादी हुई गवा और अभी तक तुहार बबलू शहर से लौटा भी नहीं। इतना कहकर भवरी वहां से चली जाती है और कंचन माथे पर हाथ रखकर कहती है, ना जाने शहर में रहकर कौन सी पढ़ाई पढ़ा थे हमार बबुला। गांव में पुराना डाकघर है, जहां आकर कंचन अपने बेटे को फोन लगाकर कहती है, कारे बबुला, जब से शहर गवा है कोनो खास खबर नहीं, कब आवत है तू गांव? माँ बहुत ही जल्दी, बबलू हिचकिचाती जुबान से जवाब देकर फोन रख देता है कि शनाया कहती है, बबलू आई नो यू आर स्केड बट नाउ वी आर मैरिड और ये सच तुम्हें अपनी मॉम को बताना ही होगा। बबलू दिल्ली पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ाई छोड़कर प्यार के चैप्टर पढ़ने लगा। दरअसल वो दिल्ली की छोरी शनाया की आशिक की बाजी में पड़ चुका था। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी भी कर ली थी, जिसके बाद बबलू कहता है, शनाया हम कल ही गांव चलेंगे। दोनों 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके गांव आ जाते हैं, जहां बबलू अपनी माँ के पैर छूकर कहता है, प्रणाम माँ। अरे बबुआ, ये सफेद बतासा कौन है? ये आपकी बहू है। अरे इका शहरी बकैती करत है, यादे अधूरे कपड़े वाली, हमरी पता हो नहीं हो सकत है। अब गिले शिकवे छोड़ भी दो ना, शनाया दिल की बहुत अच्छी है। शनाया झुककर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है और कंचन जोर से उसकी पीठ थपथपाकर कहती है, तू दो नहाओ पूतो फलो। ओ गॉड, ये सासू माँ तो एकदम गवार निकली, इतनी जोर की थपकी लगाकर मेरी बैंड ही बजा दी। रात को तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहां कंचन के हाथों से खाता देख शनाया खुद से बोलती है, हाउ डर्टी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास एकदम गवार निकलेगी। अरे का हुआ बहुरिया, तू खात को नहीं रही? वो सासुमा, मुझे भूख नहीं है। वक्त गुजरने के साथ शनाया को अपनी सास की गवार हरकतें चुभने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहती है, बबलू मैं यहाँ और एडजस्ट नहीं कर सकती। शनाया, माँ का मेरे सिवा कोई नहीं बचा है, इसलिए इस बार हम माँ को भी ले चलते हैं। फिर वो तीनों शहर आ जाते हैं, जहाँ कंचन कहती है, अरे दादा ये घर है या राजमहल, इतना आलीशान घर। शनाया मुझे इमीडिएटली ऑफिस जाना होगा। सलीना जेटली? सलीना जेटली नहीं, इमीडिएटली मतलब कि जल्दी जाना होगा, ना जाने कैसी गवार सास पल्ली पड़ी है। बहुरिया हमका खाली बैठे का आदत नहीं है, कोई काम है का? शनाया गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाकर कहती है, सडनली गैस के नॉब में क्या हो गया, ये जल क्यों नहीं रहा? बहुरिया हम अभी आए। कंचन हॉल में लगे लकड़ी के कुर्सी के पाए को तोड़कर गैस की नोक पर रखकर माचिस की तिल्ली से जलाकर कहती है, बुरबक मंद बुद्धि बहुरिया, चूल्हा जलाए के खातिर लकड़ी की जरूरत होवत है। सास को ऐसा करता देखकर शनाया गुस्से में बौखला कर कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड सासुमा? बहू को ऐसा बोलता देख कंचन सिर खुजाते हुए कहती है, अरे हमारी सहरी समझदार बहुरिया, ये कौन सी हिलायशी भाषा में टाई टाई करत है, ये क्या करूं इस अनपढ़ गवार सास का। सासुमा आपने उस चेयर की टांग तोड़ दी, लंगड़ा बना दिया उस कुर्सी को। ये मिट्टी का चूल्हा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैस चूल्हा है, ये लाइटर से जलता है, देखिए इस तरह। अरे दादा ये तो हम सोचे ही नहीं, गांव में तो मिट्टी का चूल्हा होता है जो लकड़ी से ही जलता है। समय बीतता है और रविवार के दिन कंचन सुबह उठकर कहती है, अरे आज तो इतवार का दिन है, आज तो पूरा घर गोबर मिट्टी से लीपना बनता है। कंचन तड़के सुबह उठकर टोकरी लिए चल देती है, तभी सोसाइटी के गेट के बाहर उसे एक गाय दिखाई देती है और कंचन कहती है, जल उठा बलबा, जय हो गो माता, जल्दी से आपन पूछ उठाकर गोबर के दर्शन दे दो। कंचन गोबर से घर लीपते हुए कहती है, चल कंचनिया आज कोना कोना बचे के नाही, चाहे पूरे घर को गौ माता के गोबर से जल्दी जल्दी लीप डाल। तभी कमरे से नींद में चलती हुई शनाया गोबर की लीपन पर फिसल कर जोर से जमीन पर गिरते हुए कहती है, आउच मेरा पैर। अरे बहुरिया कौन है धुन में चल रही थी,
कि जमीन की धूल चाट ली, कदुआ फूटा की बचा। तभी शनाया की नजर गोबर से सने हुए घर के फर्श पर पड़ने के साथ वो कहती है, ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है और ये इतना स्मेल क्यों आ रही है? अरे बहुरिया, ये गाय का गोबर है, आज इतवार है ना, इसीलिए पूरा घर शुद्ध करके वास्ते गोबर से लेप दिया है। आज तू के कामकाज से छुटकारा हम दे दिए। क्या क्या कहा आपने? सासुमा, आपने पूरे घर के फर्श को एक जानवर की पॉटी से लीपा पोती कर दिया है। हम तो सोचत रहे कि ये देखकर तू फूले नहीं समाएगी, लेकिन तू तो गुस्से का गुब्बारा बनकर फूट पड़ी। हमसे कोनो भूल चुक हो गई का? कंट्रोल शनाया, कंट्रोल। मुझे सासुमा पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए, पर क्या करूं मैं सासुमा की गवार हरकतों का, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वक्त गुजरता है और एक शाम शनाया बाजार जाती हुई कहती है, सासुमा मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे अरे, कहाँ मारकाट करने चल दी? ओफो सासुमा, मारकाट करने नहीं, मार्केट यानी कि बाजार जा रही हूँ भाजी तरकारी खरीदने। अरे बहुरिया, हम भी चलिए, थोड़ा सैर सपाटा हो जाए। अगर सासुमा मेरे साथ गई तो अपनी गवार हरकतें करके मुझे भरे बाजार में शर्मिंदा करेंगे और पूरे बाजार में मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। आप यहीं रहिए, मैं आती हूँ। एक रोज कंचन खाने की मेज पर चढ़कर झाड़ू से धो रही होती है, तभी उसके घर दो सहेलियाँ आकर कहती है, अरे ओ नौकरानी, जल्दी से जाकर मेम साहब को कहे कि उनकी सहेली आई है। अरे घूर क्या रही है देहातन? अरे ओ सतरंगी बाल और अतरंगी चाल वाली छोकरिया, हमारा नाम कंचनिया है, रिश्ते में हम तुम्हारे मेम साहब की सासू अम्मा लागत हैं। आशना, दिशा, तुम यहाँ प्लीज कम। पहली बार बहुरिया की सहेलियाँ घर आई हैं, उनकी खातिरदारी करके होई। कंचन खाना तैयार करके कमरे के दरवाजे पर खड़ी कहती है, वो अंग्रेजी में कैसे बोला था? अरे बहुरिया, हम अंदर डुकी का। व्हाट रबिश, शनाया ये गवार देहातन सच में तेरी सास है? अरे ओ अंग्रेजन की औलाद, हम गांव के हैं पर गवार नहीं बुझाएल। अरे सर, अपना पहनावा और स्टैंडर्ड देख भी कारण गवार? ऐसी सस्ती मेरी साड़ियाँ तो हमारे शहर में कूड़ेदान में पड़ी मिलती हैं। अभी तू हमें जानती नहीं है। अच्छा, का तू दोनों छिलटुआ के दीदी के जानत हो? नहीं, तब तो कलुआ और पवनवा को भी नहीं जानत होई। जरूर ये भी तुम्हारे गांव का कोई गवार ही होगा। ई भोजपुरिया जगत के शान है, हर इंसान अपना गांव देश को अच्छा से जाना थे, समझी तितलिया? अब जल्दी से फुर हो जाओ यहाँ से। वो दोनों गुस्से में पांव पटकती हुई चली जाती हैं और शनाया कहती है, सासुमा आपने एक बार फिर अपनी गवार हरकतें दिखाकर मुझे मेरे दोस्तों के सामने एम्बैरेस कर दिया। बहुरिया, हम शुरू से गांव में रहे हैं, एक कारण हमार आदत खान पान संस्कृति बोल बच्चन सब कुछ गाँव से जुड़ा है, इसीलिए हम इस शहर में खुद को ढाल नहीं पावत हैं। पर ही जानत हैं कि जो इंसान रिश्तों का मोल न जाने, वो भले पैसों से अमीर तो हो पर रिश्तों से फकीर ही रहता है। हम तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन तोके शहर के रहने का चल ढाल, उठना बैठना बखूबी मालूम है हमें। का तू अपन गवार सास को अपने जैसा समझदार बनाए के कोशिश नहीं करी? ये सुनकर शनाया आंसू बहाते हुए अपनी सास के गले लगकर कहती है, मुझे माफ कर दो सासुमा, कुछ वक्त के लिए मैं भूल गई थी कि बुजुर्ग ही घर की नींव होते हैं। कल तक आप मेरे खातिर एक परेशानी थी, लेकिन आज मेरी गवार सास मुझे बहुत प्यारी है। मैं आपको शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी, वो भी प्यार से। शनाया अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव के गवार सास को शहर के सांचे में ढाल लेती है। इसी के साथ गवार सास और समझदार बहू की ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। सोने की जादुई गाय मुंडी पेड़। नीता अपने पति साहू के सिर पर बंधी पट्टी देखकर पूछती है, ये क्या हुआ जी आपको? आज मजदूरी करते हुए सिर पर ईंट गिर गई थी। हे राम जी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? पूरे 11 टाके आए हैं। आह, बहुत दर्द हो रहा है, पूरा सर चकरा रहा है नीता। हे राम जी, ये तो बहुत चोट लग गई है आपको। फिर नीता साहू को दवाई देकर सुला देती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और फिर आज तो घर में रात को खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। थोड़े से चावल हैं, वो अभी पका दूंगी। देखता हूँ कल कहीं जाकर काम की बात करके आता हूँ।
इतनी चोट लगी है, ऐसे में क्या काम करेंगे आप? चिंता में पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। नीता का बेटा सोनू बोलता है, माँ आज खाना नहीं बनाया, बहुत भूख लगी है। ये ले पानी पी ले और थोड़ी देर बाहर खेला। अभी तो सोनू को पानी पिलाकर बहला दिया है, थोड़ी देर में जब उसे दोबारा से भूख लगेगी तो उसे क्या खाने को दूंगी मैं? तुम ऐसा करो, साथ वाली सावित्री से कुछ चावल ले आओ, जब हमारे पास आएंगे हम उसे दे देंगे। नीता सावित्री से चावल मांगने के लिए बाहर निकलती है, तभी उसे बाहर कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। ये इतने अंधेरे में क्या चमक रहा है? पास जाकर देखती हूँ, क्या है ये? नीता उस चमकती हुई चीज के पास जाती है। अरे ये तो एक गाय है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रही है? नीता भाग के साहू के पास जाती है। हे जी सुनते हो, बाहर मैंने अभी बड़ी अजीब सी गाय देखी है, पीले रंग की गाय, बिल्कुल सोने के जैसी। हाँ तो इसमें चौंकने की और डरने वाली क्या बात है नीता? मुझे तो लग रहा है हमारे घर के आसपास कोई भूत घूम रहा है, भला सोने की कोई गाय होती है क्या? बस बस कुछ भी बोले जा रही हो, भला सोने की भी कोई गाय होती है? साहू नीता के साथ बाहर चला आता है, उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। तुम सच में पागल हो गई हो नीता, यहाँ कोई गाय नहीं है, जाओ तुम चावल लेकर आओ। नीता चुपचाप सावित्री के घर चावल लेने चली जाती है। चावल लेकर जब नीता घर लौटती है तो उसे वो चमकती हुई सोने की गाय फिर से नजर आती है। हे राम जी ये फिर यही खड़ी है, जय बजरंग बली रक्षा करो, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ नीता। मदद? कैसी मदद? तुम कौन हो और गाय होकर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ, तुम्हारी गरीबी देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नीता भाग कर साहू के पास जाती है। देखो साहू बाहर चल के देखिए, वो वहीं खड़ी है। अरे ये कैसी अजीब सी दिखने वाली गाय है, ये यहाँ कहाँ से आई है? तभी गाय चलने लगती है। इस गाय ने हमारी मदद करने को कहा है, चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं ये क्या मदद करती है। तुम पागल हो, इसने हमें मार दिया तो? मार दिया तो मर जाएंगे, वैसे भी ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। नीता और साहू गाय के पीछे पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते गाय दोनों को जंगल में एक पेड़ के पास पहुँच कर रुक जाती है। ये गाय यहाँ क्यों रुक गई? वो तो इस गाय को ही पता है ये यहाँ क्यों रुकी है। तभी गाय का सर उसके धड़ से कटकर अलग हो जाता है और जाकर पेड़ पर लटक जाता है। ये देखकर नीता और साहू डर से आंखें बंद कर लेते हैं। कहा था मैंने मत आओ इसके पीछे, देखो अब क्या हुआ है। मुझे क्या पता था ये सब होगा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तभी सोनू चिल्लाता है, मम्मी पापा देखो ये गाय की मुंडी और गर्दन से क्या गिर रहा है। नीता और साहू अपने चेहरे से हाथ हटाकर गाय को देखने लगते हैं। अरे ये क्या, उसकी गर्दन कटने से इसकी गर्दन से तो हीरे निकल रहे हैं और इसकी मुंडी में से तो कितना सारा सोना निकल रहा है। इसका मतलब ये सच में जादुई सोने की गाय है। हाँ अब हमारे दुख के दिन चले गए सोनू के पापा। नीता और साहू जल्दी जल्दी सोना और हीरे लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर नीता चावल पकाती है और सोनू को चावल खाने को देती है। क्या माँ अब रोज रोज ये चावल उबाल कर दे देती हो, ना इसके साथ कोई सब्जी ना कोई दाल होती है। बस बेटा आज आज खा ले, कल से मैं अपने राजा बेटा को अच्छा अच्छा खाना दूंगी। और सोनू समझाने पर समझ जाता है और सब चावल खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, उठो जी जल्दी उठो और सुनार के पास ये सब देकर पैसे लेकर आओ और आते वक्त अपनी दवाई और घर का कुछ सामान ले आना। साहू जल्दी से उठकर वो सब बेच कर पैसे ले आता है और घर का सारा सामान और सोनू के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी लेकर आता है। ये लो सोनू की माँ, जो जो तुमने बोला था वो सब ले आया। और सोनू कहाँ है? सोनू, ओ सोनू
जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? ये ले, तेरे लिए नए नए खिलौने, देख कितने अच्छे हैं। अरे वाह, इतने सारे अच्छे अच्छे खिलौने, मैं अपने दोस्तों को दिखा कर आता हूँ। सोनू अपने दोस्तों को खिलौने दिखाता है, तभी सावित्री का बेटा पारस सावित्री से जाकर बोलता है, माँ माँ मुझे भी सोनू जैसे खिलौने चाहिए। खिलौने? वो भी सोनू के पास? रात को तो नीता मुझसे चावल मांगने आई थी। और सावित्री नीता के घर जाती है। अरे नीता, कल रात को तो तुम्हारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे, आज अपने बेटे को खिलौने दिला रही हो। नीता सावित्री को सारी बात बता देती है। फिर तो मैं भी उस गाय से हीरे और सोना लूंगी। और रात होते ही सावित्री उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। हे गाय, मुझे भी सोना और हीरे दे, दे जल्दी से। सावित्री के बहुत बोलने पर भी गाय उसे ना ही सोना देती है और ना ही हीरे। सावित्री गाय को जोर से एक डंडा मारती है, तभी गाय गुस्से में आ जाती है। गाय मारने के लिए सावित्री के पीछे पड़ जाती है। अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ, ये गाय तो मुझे मार ही डालेगी। गाय सावित्री को अपने सींग पर पटक पटक कर उसका बुरा हाल कर देती है। सावित्री डर से भाग कर नीता के पास जाती है। अरे ओ नीता, कहाँ है तू? तूने मुझे पागल बनाया, भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा। नीता उसे समझाती है, लेकिन उसे लगता है कि नीता ने उससे झूठ बोला और उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से वो चली जाती है। अगली रात नीता और उसका पति जंगल की ओर जाते हैं। अरे ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? जरूर ये सोना और हीरा लेने जा रहे होंगे, चलकर देखती हूँ। नीता और साहू जंगल में सोने की गाय के पास जाकर, हे जादुई सोने की गाय, हमारा घर जमींदार के पास गिरवी रखा है, हमें अपना मकान छुड़वाना है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तभी जादुई सोने की गाय की मुंडी धड़ से अलग होकर पेड़ से लटक जाती है और उसके गर्दन से हीरे और मुंडी से सोना निकलने लगता है। दोनों सोना और हीरे लेकर अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, तो पहले इस गाय के आगे अपना दुखड़ा रोना पड़ता है। चलो चल के एक बार इससे फिर से कुछ बोल के पैसे और हीरे मांगती हूँ। हे जादुई सोने की गाय, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तभी गाय की मुंडी धड़ से अलग होकर पेड़ पर लटक जाती है और गाय की गर्दन से हीरे और गाय की मुंडी से सोना निकलने लगता है और वो सारे हीरे और सोना लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सुबह, आज तो मैं बाजार से अच्छे अच्छे गहने और साड़ी खरीदूंगी, पूरे गांव वालों को दिखाऊंगी। मार्केट जाकर सावित्री सारे हीरे और सोने को बेचकर खूब सारी शॉपिंग करती है और सब खत्म कर देती है और सारे सामान को देखकर खुश होती रहती है कि तभी उसके घर एक आदमी आता है। अरे सावित्री बहन, अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। हे भगवान, क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने अपने शौक और मौज में खत्म कर दिए, मैंने जादुई सोने की गाय के आगे झूठ बोला, कहीं इसीलिए तो उसने ऐसा नहीं किया। सावित्री गाय के पास भाग कर जाती है और उससे अपनी सारी परेशानी बताती है। हे गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, बस अब की बार मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पति हॉस्पिटल में है। गाय तभी अपनी गर्दन और मुंडी से सोना और हीरे देने लगती है और सावित्री अपने पति का अच्छे से इलाज करवाती है और उसके बाद वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है।